please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. दिल्ली से ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं आनंद तिवारी। दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मारपीट के मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस की टीम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर पहुंच गई है। दिल्ली पुलिस की टीम में एक एसीपी और 4 से 5 इंस्पेक्टर शामिल हैं। पुलिस के साथ वीडियोग्राफी करने वाली टीम के लोग भी हैं। पूछताछ से पहले केजरीवाल के घर पर कैमरे लगाए जाएंगे और कैमरे पर ही उनसे पूछताछ की जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ की रिकॉर्डिंग कराने की मांग की थी। आनंद हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आनंद, फिलहाल क्या उनके घर पर अरविंद केजरीवाल इस वक्त मौजूद हैं और जो सेटअप सीसीटीवी कैमरों का लगाने की बात कही जा रही थी जिनके बीच में ये रिकॉर्डिंग होगी, क्या वो सब लग चुका है? कितनी देर में पूछताछ शुरू होगी? जी देखिए प्रीति, 5 बजे का समय तय किया गया था दिल्ली के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल उनकी तरफ से, और जो एडिशनल डीसीपी हैं जो इस पूरे केस के इंचार्ज हैं हरेंद्र सिंह, वो 10 से 15 मिनट में यहाँ पे पहुँचने वाले हैं सीएम हाउस। वो जैसे ही आते हैं पूछताछ का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। अंदर जो 5 लोगों की टीम है वो पहुँच चुकी है, उनके साथ वीडियोग्राफी के जो इक्विपमेंट है वो भी मौजूद हैं और एक कमरे में पूरा सेटअप लगाया गया है। वहाँ पर इस पूरी जो क्वेश्चनिंग होगी सीएम से उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये सीएम का बंगला है जहाँ पर आप देख सकते हैं जो तमाम जो सिक्योरिटी स्टाफ है सीएम का वो यहाँ पर मौजूद है। और मैं आपको ताज़ा तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये एडिशनल डीसीपी हैं जो इस टीम के इंचार्ज हैं जो अब सीएम हाउस पहुँच रहे हैं, यही इस टीम को लीड कर रहे थे शुरू से। इनके साथ आप देख सकते हैं तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम लोग जो हैं वो आप देख सकते हैं अंदर टीम पहुँच चुकी है। अब 5 बजेंगे वैसे ही जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनसे पूछताछ शुरू हो जाएगी। शुक्रवार का समय मुकर्रर हुआ था 11 बजे का, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा था कि वो 5 बजे पूछताछ के लिए तैयार हुए हैं। और लगातार सीएम हाउस की तरफ से ये भी खबरें आ रही थी कि वो खुद अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग कराना चाहते हैं इस पूछताछ की, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उससे साफ मना कर दिया। उनका कहना है कि कानून के मुताबिक अगर कोई भी एक्यूज या विटनेस होता है किसी केस से जुड़ा हुआ तो वो अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग या किसी तरह से सीसीटीवी से कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता। इसलिए बाकायदा यहाँ पे सीएम हाउस के अंदर एक कमरा बनाया गया है और उस कमरे के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री और जो 5 इंस्पेक्टर उसमें एक एडिशनल डीसीपी है, 6 लोगों की जो टीम है वो इस पूरी जो इन्वेस्टिगेशन है उसको पूछताछ करके दे सकते हैं। जो आम आदमी पार्टी की तरफ से जो वकील हैं वो भी यहाँ पर आ चुके हैं इस पूरे दावपेच को, कानूनी दावपेच को समझने के लिए, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से ये एलिगेशन लगाया जा रहा था कि केंद्र सरकार के इशारे पे उनसे पूछताछ हो रही है। लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना था चूंकि ये दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी के साथ मारपीट का मामला था, 11 विधायकों से पूछताछ हो चुकी है, दिल्ली के मुख्यमंत्री को नोटिस सर्व हुआ था, और दिल्ली पुलिस का ये भी कहना है कि आने वाले दिनों में जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्हें भी नोटिस सर्व किया जाएगा पूछताछ के लिए। और ऐसे में जिस तरह का भी घटनाक्रम चल रहा है, आम आदमी पार्टी कैसे रिएक्ट कर रही है इस इन्वेस्टिगेशन को जिसकी रिकॉर्डिंग की बात की जा रही है जो थोड़ी देर में शुरू होने वाली है? जी देखिए प्रीति, आपने अभी देखा जिस तरह से 3 से 4 लॉयर हैं जो अभी यहाँ पर पहुंचे हैं, और ये वही लॉयर थे जो एक और केस जो अभी अरविंद केजरीवाल के जो साडू हैं उनके जो बेटे को गिरफ्तार किया था एसीबी ने, उसमें भी ये कोर्ट में पेश हुए। तो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी पूरी तरह से अपनी तरह से तैयारी के साथ यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि पिछली बार आपने देखा था जब दिल्ली पुलिस यहाँ पर पहुंची थी और जब उन्होंने उस कमरे का मुआयना करा था जहाँ पर मारपीट हुई थी तो उसके वीडियो वायरल करे थे आम आदमी पार्टी की तरफ से, कहा गया था कि दीवारों पर किस तरह का पेंट है, दिल्ली पुलिस इस तरह के सवाल जवाब कर रही है। इसलिए पुलिस ने 11 विधायकों से जो पूछताछ की उसकी बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग कराई ताकि कल को कोई एलिगेशन दिल्ली पुलिस के ऊपर ना लग सके। और इसीलिए आज भी यहां आनंद, ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है इस पर आप नजर बनाए रखें, कितनी देर में ये बातचीत और ये इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है इस पर हमारी खास निगाह है। आपके पास हम दोबारा लौटेंगे, जानकारी के लिए धन्यवाद। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में कर्नाटक के कांग्रेस विधायक एक बस से निकलकर एक होटल में जाने लगे। खरीद फरोख्त के डर से कांग्रेस और जेडीएस ने अपने विधायकों को कर्नाटक से हैदराबाद के कुछ होटल में रखने का फैसला किया, और रात भर बस में सफर करने के बाद ये विधायक होटल ताज कृष्णा पहुंचे। कांग्रेस विधायकों के होटल पहुंचते ही वहां सरगर्मी बढ़ गई। विधायकों ने दावा किया कि उनके साथ ही जेडीएस विधायकों के भी ठहरने का इंतजाम है। JDS and Congress are here. हैदराबाद पहुंचे विधायकों ने खुलकर आरोप लगाया कि उन्हें तोड़ने के लिए दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। They are taking various institutions name, which is very much unusual, which is not up to the right. ताज कृष्णा के अलावा दोनों पार्टियों के विधायक हैदराबाद के ही होटल पार्क हायत पहुंचे, जहां उनके ठहरने के लिए खास इंतजाम किया गया है।
कुछ रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स भी हैं इस होटल के अंदर। बेहद ही बड़ा और पॉश होटल है ये हैदराबाद के शहर के बीच में, और ऊपर भी सुरक्षा के इंतजाम है क्योंकि उन फ्लोर्स पर सिर्फ जिनके पास एक्सेस है वही लोग पहुंच सकते हैं। होटल पार्क हायत में प्रबंधन के लोग और निजी सुरक्षा कर्मी विधायकों के स्वागत में जुटे दिखे, और विधायकों के वहां पहुंचते ही उनकी सुरक्षा में पुलिस की टीम भी मुस्तैद हो गई। कर्नाटक में येदियुरप्पा सरकार के शपथ ग्रहण के बाद अब वहां शक्ति परीक्षण की तैयारी है। लेकिन इस बीच कांग्रेस और जेडीएस ने अपने विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश का आरोप लगाया। हालांकि दोनों पार्टियों के विधायक बेंगलुरु के एक रिजॉर्ट और एक होटल में ठहरे हुए थे, लेकिन गुरुवार की रात उनको राज्य से भी बाहर भेज दिया गया। हम उनको जहाज से ले जाना चाहते थे केरला, तो जहाज उड़ाने की अनुमति नहीं दी। सूत्रों के मुताबिक विधायकों को हैदराबाद भेजना मुफीद समझा गया क्योंकि तेलंगाना की सरकार ने कांग्रेस और जेडीएस को उनके विधायकों की सुरक्षा का भरोसा दिया था। हालांकि इससे ये चर्चा भी गर्म रही कि दोनों पार्टियों के कुछ विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। कोई मिसिंग नहीं है, सब हमारे संपर्क में है, एक विधायक को छोड़ करके, और संख्या बल हमारे पास पूरी है। कांग्रेस ने दावा किया कि कर्नाटक में सरकार बनाने के लिए उनके पास जरूरी विधायक मौजूद हैं। विधायकों को खरीद फरोख्त से बचाने के लिए कांग्रेस और जेडीएस ने अपने विधायकों को कर्नाटक से बाहर होटल में ठहराया है, लेकिन सवाल यह है कि लोकतंत्र में ऐसे हालात बनते क्यों हैं? सुप्रीम कोर्ट से बाहर आते ही कांग्रेस के नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कर्नाटक में सरकार बनाने के मामले में कोर्ट के फैसले पर न्यूज 18 से बातचीत की। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस और जेडीएस की याचिका पर सुनवाई करते हुए कर्नाटक में शनिवार को शक्ति परीक्षण कराने का आदेश दिया, जिस पर खुशी जताते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने फैसले को ऐतिहासिक बताया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि बड़ा अच्छा और सही ऑर्डर हुआ है। इससे पहले सुनवाई शुरू होते ही सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के राज्यपाल को दी गई येदियुरप्पा की चिट्ठी तलब की, जिसे बीजेपी के वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट के सामने पेश किया। लेकिन येदियुरप्पा की इस चिट्ठी में विधायकों के नाम का जिक्र नहीं था, जिस पर कोर्ट ने पूछा कि येदियुरप्पा की चिट्ठी में विधायकों के नाम क्यों नहीं है, जबकि दूसरे पक्ष ने विधायकों के दस्तखत वाली चिट्ठी दी है। इस पर बीजेपी के वकील मुकुल रोहतगी ने जवाब दिया कि समर्थन देने वाले विधायकों के नाम सूची में होना जरूरी नहीं है। बहस आगे बढ़ाते हुए मुकुल रोहतगी ने कहा कि कर्नाटक में चुनाव से पहले गठबंधन नहीं किया गया, इसलिए जेडीएस और कांग्रेस गठबंधन अनैतिक है, जिस पर कोर्ट ने कहा कि आखिरकार ये नंबरों का खेल है और राज्यपाल को देखना होता है कि किसके पास नंबर है। हालांकि कोर्ट ने ये माना कि सरकार बनाने के लिए किसी को भी बुलाया जा सकता है, लेकिन बहुमत का आखिरी फैसला विधानसभा में होगा। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार के मामले में कांग्रेस और जेडीएस ने सुप्रीम कोर्ट में बुधवार रात याचिका दी थी, जिसमें येदियुरप्पा सरकार के शपथ ग्रहण पर रोक लगाने की मांग की गई थी। हालांकि कोर्ट ने शपथ ग्रहण पर रोक नहीं लगाई थी, लेकिन दूसरे दिन की सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि सदन को ही शक्ति परीक्षण के जरिए फैसला करने दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि विधानसभा में शनिवार को ही शक्ति परीक्षण कराया जाए। साथ ही कोर्ट ने गुप्त मतदान की बीजेपी की मांग को भी खारिज कर दिया। येदियुरप्पा इस दरमियान कोई मेजर पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकते, येदियुरप्पा एंग्लोइंडियन नॉमिनी नहीं कर सकते। कोर्ट के फैसले के बाद वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भरोसा जताया कि कर्नाटक में जेडीएस और कांग्रेस मिलकर बहुमत साबित कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कर्नाटक के राज्यपाल के फैसले पर कुछ नहीं कहा, लेकिन जल्द शक्ति परीक्षण कराने का आदेश दे दिया। सवाल ये कि क्या 104 विधायकों के साथ बीजेपी अपना बहुमत साबित कर पाएगी। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से ठीक पहले पार्टी के एक कार्यकर्ता ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को एक राइटिंग पैड पकड़ाया। कांग्रेस नेताओं ने राज्य में चल रहे राजनीतिक विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की, जिस पर सियासी घमासान शुरू हो गया। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बुलाई गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी कार्यकर्ता की तरफ से पकड़ाए गए राइटिंग पैड को कांग्रेस नेता सिद्धरमैया ने गौर से पढ़ा। इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के बीजेपी के सीएम बीएस येदियुरप्पा को शनिवार शाम तक कर्नाटक विधानसभा में बहुमत साबित करने के फैसले को ऐतिहासिक बता दिया। आई वुड लाइक टू थैंक द ऑनरेबल जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हु वंस अगेन रोज टू द ओकेजन एंड सेव द डेमोक्रेसी। कर्नाटक में चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस के साथ आई जेडीएस ने एक बार फिर उसके गठबंधन के पास बहुमत होने का दावा किया। जेडीएस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बीजेपी के लिए झटका भी बता दिया। हालांकि कांग्रेस और जेडीएस की ओर से दी गई याचिका पर बहस के दौरान बीजेपी ने बहुमत साबित करने के लिए सोमवार तक का समय मांगा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए इनकार कर दिया, जिसके बाद कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने बीएस येदियुरप्पा ने एक बार फिर विश्वास मत हासिल करने का भरोसा जताया। इस बीच बीजेपी ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रही कांग्रेस पर पलटवार किया। कांग्रेस के इस बात का स्वागत करते हैं कि कम से कम
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का स्वागत तो किया। बीजेपी ने कांग्रेस पर कर्नाटक में मिले जनादेश का अपमान करने का भी आरोप लगा दिया। सवाल ये है कि क्या येदियुरप्पा सरकार के शक्ति परीक्षण में असफल रहने के बाद भी कांग्रेस जेडीएस को सरकार बनाने का मौका मिल सकेगा? लगातार तीसरे साल देश में अनाज की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है। बेहतर मॉनसून की भविष्यवाणी के बाद केंद्र सरकार ने इस साल अनाज की पैदावार के अनुमान को बढ़ा दिया है, जिसके बाद अनुमान लगाया गया है कि साल भर में अनाज का कुल उत्पादन करीब 28 करोड़ टन रहेगा, जबकि पिछले साल अनाज का कुल उत्पादन करीब 27.5 करोड़ टन रहा था। यानी पिछले साल के मुकाबले इस साल 44 लाख टन ज्यादा पैदावार रहने का अनुमान है। अनाज के उत्पादन के लिए जुलाई से जून के वक्त को एक साल माना जाता है। इस दौरान रबी और खरीफ दोनों फसलें बाजार में पहुंच जाती हैं। इस साल चावल की पैदावार का भी नया रिकॉर्ड बनने का अनुमान है। चावल की कुल पैदावार का आंकड़ा पहली बार 11 करोड़ टन के पार जा सकता है, तो गेहूं का उत्पादन भी अब तक के इतिहास के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचेगा। गेहूं की पैदावार करीब 9.86 करोड़ टन के पार रह सकती है। दालों का उत्पादन भी नया रिकॉर्ड बना सकता है। दालों का कुल उत्पादन 2.45 करोड़ टन के पार जाने का अनुमान है। झारखंड के गिरिडीह में घर के आंगन में बैठी कुछ महिलाएं फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से हुई फायरिंग में बीएसएफ जवान सीताराम उपाध्याय के शहीद होने की खबर आई, जिसके बाद शहीद के परिवार के साथ पूरे गांव में मातम छा गया और हर कोई रोने लगा। गिरिडीह के रहने वाले सीताराम उपाध्याय ने 2 मई को ही जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर पहुंचकर ड्यूटी ज्वाइन की थी। उनकी शहादत के बाद उनकी पत्नी ने केंद्र सरकार के उस फैसले पर सवाल उठाए जिसमें रमजान के समय में एक तरफा युद्ध विराम का ऐलान किया गया। सबसे पहला तो मोदी सरकार का गलती है कि वो दिखावटी का फायरिंग कर रहे और फायरिंग करने का रमजान तक का बंद करती है। शहीद सीताराम का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गाँव पालगंज में शनिवार को किया जाएगा। इस बीच जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में सेना की चौकियों पर पाकिस्तान की गोलीबारी 3 दिन से जारी है। अब तक की गोलीबारी में बीएसएफ के 2 जवान समेत 6 लोगों की मौत हो गई है और 5 लोग घायल हो गए, जिनमें से एक घायल आदमी के हाथ पर सेना के कुछ जवान मरहम पट्टी करने लगे, जबकि दूसरे घायल को आरएसपुरा में इलाज के बाद जम्मू रेफर कर दिया गया। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी उनको बेस्ट पॉसिबल हेल्प है वो हम देंगे। इस बीच बीजेपी नेता और कैबिनेट मंत्री सत शर्मा ने अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात कर घायलों को 10,000 की आर्थिक मदद दी। जो भी अवेलेबिलिटी हॉस्पिटल की तरफ से सरकार की तरफ से है उन्हें मिलेगी। लगातार होती फायरिंग के बाद आरएसपुरा के एसडीएम ने भी सबसे चौकस रहने की अपील की। जानवर इंजर्ड हो गए, फायरिंग जबरदस्त है, आप जल्दी पहुंचो। साथ ही प्रशासन ने सीमा पर रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए कैंप लगाने की भी दलील दी, क्योंकि सांबा और कठुआ जिलों के कुछ रिहायशी इलाकों में निशाना बनाकर रात भर गोलीबारी की गई और मोर्चा दागे गए। इस बीच विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि रमजान के महीने में सीज फायर के केंद्र के ऐलान के बाद सीमा पार से फायरिंग की घटनाएं बढ़ गई, जिसके विरोध में नेशनल पैंथर्स पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उधमपुर में सरकार विरोधी प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। नेशनल पैंथर्स पार्टी ने एक तरफा सीज फायर के फैसले को वापस लेने की भी मांग की। बीजेपी कौन सा गेम खेल रही है? ये पॉलिटिक्स के लिए, कुर्सी के लिए, ये सत्ता के लिए मिलिटेंटों के आगे नतमस्तक हो गई है। रक्षा विशेषज्ञों की दलील है कि फौज को पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए, उनको उसी जगह पे नेस्तनाबूद कर दें, खत्म कर दें जहां से आ रहे हैं, यानी कि पीओके एरिया से। इस बीच सेना ने पाकिस्तान की ओर से हो रही फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब देने का दावा किया। सवाल ये कि पाकिस्तान कब बाज आएगा और कब सीमा पार से गोलीबारी रुकेगी? रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान की गोलीबारी से बेकसूर लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई है और ये खतरा केंद्र सरकार के सीज फायर के फैसले के बाद और बढ़ गया है। यूपी के बाराबंकी में लोगों की भीड़ एक व्यक्ति के शव को हाईवे पर रखकर वहां जाम लगा रही थी। ये शव वहां के एक सभासद के बेटे का था। आरोप है कि इलाके के कुछ दबंग लोगों ने लाठी से पीट पीट कर सभासद के बेटे दुर्गेश यादव की हत्या कर दी, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने मारे गए युवक के शव को हाईवे पर रख दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन करने लगे। तनाव बढ़ते देख पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर वहां से हटाने की कोशिश की गई, लेकिन लोगों ने पुलिस की बात नहीं मानी। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया। बयानों के अनुसार उसने बयान दिया है वहाँ पे जो अस्पताल में जो है दुर्गेश तिवारी, पप्पू पंडित, अंकुर टंडन और उनके 2 लड़के थे। सूचना
पुलिस को दिया था। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक रैली की और वहां पर उन्होंने रोड शो निकाला। इस दौरान राहुल गांधी एक मिनी बस में सवार होकर दुर्ग की सड़कों पर निकले, जहां कांग्रेस समर्थकों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान समर्थकों की भीड़ ने उन पर फूल बरसाए और नारेबाजी भी की। इससे पहले रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस पर निशाना साधा। राहुल गांधी पर फूलों की बरसात हो रही है और ये फूलों की बरसात हो रही है छत्तीसगढ़ के दुर्ग में, जहां पर उनका एक रोड शो निकाला है उन्होंने। और रोड शो निकालने से पहले उन्होंने एक सभा को भी संबोधित किया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस पर निशाना साधा है। उत्तराखंड के टनकपुर में एक सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई। हादसे के शिकार सभी लोग तीर्थ यात्रा के लिए उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड गए थे। चश्मदीदों का दावा है कि सड़क से गुजर रहा एक तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू हो गया, जिसकी चपेट में आने से 11 लोगों की मौत हो गई। श्रद्धालु हमारे आ रहे थे ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से, और लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है। दो लोग ऑन द वे थे हॉस्पिटल में, उनकी डेथ हुई है। करीब टोटल 11 लोगों की डेथ हुई है और 8 करीब माइनर इंजरीज के साथ, जो भी संभव मदद पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और पैरामिलिट्री और पोस्टमार्टम में या जो भी सहायता इनके लिए की जा सकती है, वो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ रही कीमतों ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है, क्योंकि कीमतें बढ़ने का जो सिलसिला 12 मई को कर्नाटक चुनाव खत्म होने के बाद शुरू हुआ, वो थमता नहीं दिख रहा, जिसका सीधा असर लोगों के बजट पर पड़ने लगा है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 83 रुपए के पार पहुंच गई। पेट्रोल के दाम में 29 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जबकि डीजल का दाम जो है वो 31 पैसे से बढ़ा है। पेट्रोल डीजल की रोजाना बढ़ रही कीमतों पर लोगों का गुस्सा भी भड़कने लगा। अगर कोई छोटा मोटा काम कर रहा है तो वो पेट्रोल पे पूरा खर्चा, जो उसका महीने का आमदनी है, वो पूरे पेट्रोल पे खर्चा करेगा क्या? पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर लोगों के गुस्से को गलत भी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि कर्नाटक चुनाव के दौरान 24 अप्रैल से 12 मई तक कीमतें नहीं बढ़ी, लेकिन 12 मई को मतदान खत्म होने के बाद रात 12 बजे बाद पेट्रोल डीजल महंगा हो गया। तकलीफ हो रहा है ना, डीजल पेट्रोल का भाव डेली बढ़ रहा है। हालांकि तेल कंपनियों और सरकार की दलील है कि कच्चे तेल की कीमत और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय वजह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने पड़े। सवाल ये कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से लोगों को कैसे राहत मिलेगी, क्योंकि जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ रही है और डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हुआ है, उसे देखते हुए फिलहाल तो दाम कम होने के आसार नहीं दिखते। पश्चिम बंगाल में हिंसा के बीच हुए पंचायत चुनाव में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस को शानदार कामयाबी मिली, जबकि सीपीएम और कांग्रेस को पीछे छोड़ते हुए बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बनती जा रही है। और अब घोषित नतीजों के मुताबिक राज्य की कुल 31,802 ग्राम पंचायत सीटों में टीएमसी ने 20,848 सीटों पर कब्जा जमा लिया है। दूसरे नंबर पर पहुंची बीजेपी के खाते में 5,636 सीटें आई हैं, वहीं 1,461 सीटों पर जीत के साथ सीपीएम तीसरे नंबर पर खिसक गई है, जबकि कांग्रेस ने 1,033 ग्राम पंचायत सीटों पर जीत हासिल की। पंचायत समिति की कुल 6,123 सीटों में टीएमसी को 4,348 सीटें मिल चुकी हैं, जबकि 631 सीटों पर जीत के साथ बीजेपी दूसरे नंबर पर है। पंचायत समिति चुनाव में 106 सीट पर जीत के साथ कांग्रेस तीसरे नंबर पर है। सीपीएम ने पंचायत समिति चुनाव में 92 सीटों पर कब्जा जमाया। पश्चिम बंगाल में 6,123 पंचायत समिति के लिए चुनाव हुआ था। जिला परिषद चुनाव में भी 318 सीटों पर जीत के साथ टीएमसी पहले नंबर पर है। अब तक घोषित नतीजों के मुताबिक जिला परिषद चुनाव में टीएमसी ने 95% सीटें जीत ली हैं, जबकि ग्राम समिति चुनाव में उसे 90% सीटों पर कामयाबी मिली। ग्राम पंचायत चुनाव में भी टीएमसी को 70% से ज्यादा सीटों पर कामयाबी मिली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव में शानदार प्रदर्शन पर खुशी जताई। সিপিএম কংগ্রেস বিজেপি মাওবাদী একসাথে কন্টেস্ট করছে, কি অঙ্কে কত রূপ, এটা পলিটিক্স হয় না। জেনারেলি পলিটিক্স একটা ইডিওলজির লড়াই, তা সত্ত্বেও কিন্তু 90% সিটে আজকে কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস জয়ী হয়েছে। हरियाणा के हिसार में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर रोड शो के दौरान एक शख्स ने अचानक तेल फेंक दिया। आरोप है कि तेल फेंकने वाला शख्स इंडियन नेशनल लोकदल का समर्थक है, जिसने हिसार में रोड शो कर रहे सीएम मनोहर लाल खट्टर पर अचानक तेल फेंका। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर रोड शो के समय आम लोगों से मिल रहे थे और उनसे फूलों के गुलदस्ते ले रहे थे। इसी बीच अचानक एक आदमी ने उन पर तेल उछाल दिया और देवी लाल अमर रहे के नारे लगाने लगा।
हालांकि सीएम खट्टर ने इस घटना को मामूली करार दिया। कोई खास बात नहीं, ठीक है, बहुत खास बात नहीं। घटना के तुरंत बाद वहां मौजूद पुलिस वालों ने उस आदमी को पकड़ लिया जिसने सीएम पर तेल फेंका था और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सवाल ये है कि क्या विरोध के लिए इस तरह की हरकत करना सही है? विरोध करना बेशक संवैधानिक अधिकार है, लेकिन उसका एक जायज तरीका होना चाहिए। यूपी के करीब आधा दर्जन पूर्व मुख्यमंत्रियों के अपने सरकारी बंगले खाली करने होंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य की सरकार ने भी उन्हें नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस के मुताबिक सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को 15 दिनों में अपने सरकारी बंगले खाली करने होंगे। इन पूर्व मुख्यमंत्रियों में गृहमंत्री राजनाथ सिंह, राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह और एनडी तिवारी शामिल है। साथ ही अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव और मायावती को नोटिस जारी किया गया। हालांकि अखिलेश यादव की सरकार में एक अधिनियम पारित कर पूर्व मुख्यमंत्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं को जारी रखा गया था, लेकिन 10 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने उस अधिनियम को निरस्त कर दिया। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के सरकारी बंगले को बचाने के लिए लिखी गई चिट्ठी के लीक होने के मामले में दो बड़े सरकारी अधिकारियों को हटा दिया गया है। चिट्ठी लीक होने के मामले में मुख्यमंत्री के निजी सचिव पीतांबर और प्रमुख सचिव के पीए शीशपाल को पद से हटा दिया गया है। इस चिट्ठी में मुलायम सिंह के सरकारी बंगले को बचाने के फॉर्मूले के बारे में बताया गया था। जानकारी के मुताबिक 16 मई को पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने सीएम योगी से मुलाकात के दौरान दिया पत्र कुछ देर बाद ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर तोड़फोड़ का आरोप लगा। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर मारपीट और कुछ घरों में तोड़फोड़ का आरोप लगाया। यूपी के रामपुर में एक छात्रा ने टीचर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए स्कूल जाना बंद कर दिया। मध्य प्रदेश के इंदौर में लापता 4 साल की एक बच्ची का शव पुलिस ने नाले से बरामद किया। केरल के कोच्चि में लिफ्ट में एक लड़की से छेड़छाड़ के आरोपी पुलिस अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर लोगों ने हाईकोर्ट के बाहर प्रदर्शन किया। राजस्थान के जयपुर में वाटर सप्लाई की पाइपलाइन टूटने की वजह से हजारों लीटर पानी बर्बाद हो गया। मलेशिया में पुलिस का दावा है कि भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक के ठिकानों पर हुई छापेमारी में नकदी से भरे करीब 70 सूटकेस मिले और गहनों और कीमती सामान से भरे 280 बैग बरामद हुए। आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच एक मैच के दौरान एबी डिविलियर्स के हवा में उछलकर शानदार कैच पकड़ने पर विराट कोहली ने ट्वीट किया कि उन्होंने स्पाइडरमैन को लाइव देखा। हरभजन सिंह ने टीम इंडिया से अलग बयान देते हुए गुलाबी गेंद से डे नाइट टेस्ट मैच खेलने की वकालत की। पूर्व क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी और दिलीप वेंगसरकर ने क्रिकेट से टॉस करने की परंपरा खत्म करने पर हो रहे विचार का विरोध किया। मुंबई में रिलायंस के एक स्टोर में पहुंचकर शिवसेना के युवा संगठन युवा सेना के प्रमुख आदित्य ठाकरे ने एक रिवर्स वेंडिंग मशीन का रिबन काटकर उद्घाटन किया। रिवर्स वेंडिंग मशीन का इस्तेमाल प्लास्टिक की बोतलों को रीसाइकिल करने के लिए किया जाता है, यानी इस मशीन के जरिए पर्यावरण के लिए खतरा बन चुकी प्लास्टिक की बोतलों का बोझ शहर से कम किया जा सकता है। फिलहाल ये मशीन प्रभा देवी के स्टोर पर लगाई गई है, लेकिन 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुंबई में रिलायंस के हर स्टोर में रिवर्स वेंडिंग मशीन लगाई जाएगी। कंपनी का दावा है कि उनके इस कदम से प्रधानमंत्री के स्वच्छता मिशन को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। रिलायंस ने ग्राहकों को ऑफर भी दिया है कि पानी या कोल्ड ड्रिंक की बोतलें डालने पर कुछ कूपन भी दिए जाएंगे जिनका इस्तेमाल खरीदारी में किया जा सकेगा। ये जो बैन है, प्लास्टिक बैन, सिंगल यूज डिस्पोजेबल प्लास्टिक पे काफी अच्छी तरीके से लिया है। सिर्फ बैन नहीं, अभी मूवमेंट हुआ है और जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, फिर रिलायंस है, कोको कोला है, बिस्लेरी है, टेट्रा पैक इंडस्ट्री, सब जो इंडस्ट्री है, सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने एक मूवमेंट शुरू की है कि जो प्लास्टिक बैन नहीं है उसको रिसाइकिल कैसे किया जाए। बिहार की राजधानी पटना में आरजेडी ने अपने सहयोगी दलों के साथ राजभवन तक एक मार्च निकाला। कर्नाटक की तर्ज पर बिहार में भी आरजेडी ने सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करते हुए सरकार बनाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, जिसकी अगुवाई आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने की। ये मार्च गवर्नर हाउस तक निकाला गया, जिसमें कांग्रेस, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हम यानी हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा और CPI-ML शामिल हुई। आरजेडी और उनके तमाम सहयोगी पार्टी के नेता और विधायक सड़क पर उतरे हैं, राजभवन मार्च के लिए निकले हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अपने सहयोगी दल के विधायकों के साथ राज्यपाल सत्यपाल मलिक से मुलाकात की। हालांकि इस मार्च से पहले तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर एक बैठक हुई, जिसमें आरजेडी और उसके सहयोगी दलों ने सरकार बनाने को लेकर माथापच्ची की। वहीं राजभवन की तरफ से आरजेडी के दावे पर अभी कुछ नहीं कहा गया।
लेकिन आरजेडी ने राज्यपाल से मुलाकात के बाद ये दावा किया कि वो बहुमत का जादुई आंकड़ा कम होने के बाद भी सदन में विश्वास मत हासिल कर लेगी। जनता दल यूनाइटेड के काफी जो विधायक हैं, वो लोग सपोर्ट में हैं हम लोगों के। आरजेडी का आरोप है कि सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर चोर दरवाजे से सरकार बनाने का काम किया, इसीलिए उन्हें सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। 243 सीटों वाली विधानसभा बिहार विधानसभा में आरजेडी को सरकार बनाने के लिए 122 विधायकों का समर्थन चाहिए। अभी आरजेडी के 80 विधायक हैं, जबकि उसकी सहयोगी कांग्रेस के 27 विधायक हैं। इसके अलावा CPIML के 3 और हम पार्टी के 1 विधायक का समर्थन आरजेडी को हासिल है। आरजेडी के पास अभी 111 विधायकों का समर्थन है, यानी बहुमत के लिए उसे 11 विधायकों का समर्थन और चाहिए, जबकि जेडीयू और बीजेपी को मिलाकर नीतीश कुमार को 123 विधायकों का समर्थन हासिल है। सवाल ये है कि बिहार में महागठबंधन टूटने के बाद से आरजेडी इस मसले को पहले भी कई बार उठा चुकी है, लेकिन इस बार कर्नाटक के बहाने उसे एक बार फिर से नीतीश सरकार को घेरने का मौका मिल गया। हालांकि बहुमत आंकड़ा जुटाना आरजेडी के लिए आसान नहीं है। राजस्थान के कोटा में बड़ी तादाद में जुटे गुर्जर समुदाय के लोग सड़क पर प्रदर्शन करने लगे। वहां आरक्षण की मांग करते हुए गुर्जर समुदाय के लोगों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी और इसी सिलसिले में डीएम दफ्तर के सामने जमकर नारेबाजी की गई। राजस्थान में विधानसभा चुनाव करीब देखते हुए गुर्जर समुदाय में आरक्षण की सुगबुगाहट फिर तेज है, इसलिए कोटा में भी रैली निकालकर ओबीसी श्रेणी में आरक्षण देने की मांग उठाई गई। यूपी के अंदर कैटेगरी बना करके उसमें अदर ओबीसी के अंदर कैटेगराइजेशन किया जा रहा है, तो राजस्थान सरकार में क्यों नहीं किया जा सकता। गुर्जर समुदाय के लोगों ने आरक्षण के लिए मुख्यमंत्री के नाम एडीएम को एक ज्ञापन सौंपा और लगे हाथ सरकार को अपना मंसूबा भी बता दिया। हमें अगर पटरियों पर आना पड़ा, सड़कों पर आना पड़ा तो आएंगे, लाठी खानी पड़ी, गोली खानी पड़ी तो खाएंगे। गुर्जर समुदाय के लोगों ने 23 मई के बाद आरक्षण के लिए आंदोलन करने की चेतावनी दी। राजस्थान में गुर्जर समुदाय अरसे से आरक्षण की मांग पर अड़ा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इसके लिए हंगामे के जरिए चेतावनी देना जायज है। यूपी के अमरोहा में एक गांव में उपलों के कई ढेर दूध कर जलने लगे। वहां करंट लगने से एक मजदूर की मौत के बाद नाराज गांव वालों ने जमकर हंगामा किया और वहां रखे उपलों के ढेर में आग लगा दी। थोड़ी देर बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने किसी तरह आग पर काबू पाया। गांव के लोग वहां बिजली बनाने पहुंचे एक मजदूर की मौत से नाराज हो गए। बताया जा रहा है कि हसनपुर इलाके में बिजली के तार की मरम्मत के दौरान आबिद नाम के एक मजदूर को करंट लग गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई, जिसके बाद नाराज गाँव वालों ने बिजली विभाग के अफसरों पर कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान उनकी पुलिस से तीखी नोकझोंक भी हुई। जहाँ जहाँ मानक के विरुद्ध काम हो रहा है उसको तत्काल मैंने रोकने के लिए एसडीओ साहब को आदेश दे दिया है। पुलिस और प्रशासन ने इस मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिलाया, तब जाकर गांव वालों ने अपना प्रदर्शन बंद किया। सवाल ये है कि जब मजदूर बिजली की लाइन सही करने के लिए खंभे पर चढ़ा था तो बिजली विभाग के कर्मचारियों ने लापरवाही बरतते हुए बिजली क्यों चालू कर दी। प्रशासन को ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे फिर कभी ऐसी लापरवाही से किसी आदमी की जान ना जाए। गुजरात में वडोदरा के क्रिकेट मैदान में कुछ लोग एक गाय के साथ फोटो खिंचवाने लगे। कुहत्या रोकने और लोगों को जागरूक करने के लिए वहां क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें जीतने वाली टीम को पुरस्कार में एक गाय दी गई और जीतने वाली टीम के कप्तान ने इस अनोखे पुरस्कार पर खुशी जाहिर की। इससे पहले वहां दो टीमों के बीच 10-10 ओवर का एक मैच खेला गया, जिसको देखने के लिए मैदान में बड़ी संख्या में लोग जुटे। थोड़ी मिसफील्ड रन आउट नो चांस हतो। इसके बाद मैच जीतने वाली टीम ने जश्न मनाया और पुरस्कार में गाय मिलने पर अपनी खुशी का इजहार किया। खूब खुश छू आज, क्योंकि मैंने पहली वक्त मैन ऑफ द सीरीज में गाय मरी है, खूब खुश छू आज। टूर्नामेंट के आयोजकों ने इस पहल को गौहत्या पर रोक लगाने के लिए जरूरी बताया। गाय हमारी माता भी है और राष्ट्रीय ताकि और प्रगति की निशानी भी है। साथ ही खेल के आयोजकों ने लोगों से भी गायों की सुरक्षा की अपील की। सवाल ये कि गौहत्या के खिलाफ कई सामाजिक संगठन और संस्थाएं इस तरह के आयोजन कराती हैं और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जाता है, ये पहल सराहनीय है। जरूरी है कि लोग भी इस तरह की मुहिम से जुड़े और इन प्रतियोगिताओं के महत्व को समझे। महाराष्ट्र में पुणे की येरवडा जेल में बनाई गई चप्पलें एक ऑनलाइन स्टोर में बेचने के लिए रखी गई। वहां जेल के कैदियों के हाथ से बनी चप्पलों को एक निजी कंपनी ने बाजार में उतारा।
जिन्हें एक ब्रांड के तहत अब ऑनलाइन बेचने की तैयारी है। करीब 6 महीने पहले दिवेज मेहता ने येरवडा जेल की कैदियों के साथ काम शुरू किया और उन्हें चप्पल बनाने की ट्रेनिंग दी। जेल प्रशासन ने भी कैदियों की बेहतरी के लिए इसमें सहयोग किया। हमारा जो स्किल है वो यूज हो रहा है तो उसको पैसा भी मिलता है, एक आत्मसम्मान भी पैदा होता है। येरवडा जेल के 65 कैदी वहाँ चमड़े की चप्पल बनाने में जुटे हैं। चप्पलों की ऑनलाइन बिक्री के पीछे दिवेज मेहता का एक मकसद लोगों को कैदियों से जोड़ना भी है। आप अगर ब्रांड परचेज करते हो तो हमारी स्टोरी आपको पता चलती है। हमारा बॉक्स अगर पैकेजिंग आप देखें तो उसमें उनके फोटो है, उनका स्टोरी है। दिवेज मेहता ने उम्मीद जताई कि इनमेट ब्रांड की चप्पलों को लोग पसंद करेंगे। सवाल ये कि कैदियों को सुधारने के लिए उन्हें रचनात्मक काम में लगाया ही जाना चाहिए। उनकी बनाई चीजें अगर बाजार में आती हैं तो इसकी वजह से उन्हें आमदनी भी होती है और जेल का माहौल भी अच्छा रहता है। दिल्ली के जगतपुरी इलाके में कुछ लोगों ने सरेआम एक महिला को सड़क पर बेरहमी से पीटा, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आरोप है कि दो भाइयों के बीच संपत्ति के विवाद में झगड़ा हो गया था, जिसमें एक भाई ने अपने दो बेटों के साथ मिलकर दूसरे भाई पर हमला कर दिया और बीच बचाव करने आई उसकी पत्नी को भी बुरी तरह से पीट दिया, जिसकी अस्पताल में इलाज के समय मौत हो गई। ये सारी घटना वहाँ लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें मौके पर लोगों की भीड़ भी जुटी दिखाई दी, लेकिन किसी ने भी महिला को बचाने की कोशिश नहीं की। भाइयों में आपस में लड़ाई हुई, अच्छा, और डंडे वगैरह से मारा गया तो उस लेडीज की डेथ हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया। 302 IPC के तहत मुकदमा दर्ज करके मूसा को अरेस्ट कर लिया गया है। इस घटना में शामिल आरोपी के दो बेटे फरार हो गए, जिन्हें पुलिस ने जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया। सवाल ये कि संपत्ति के विवाद में दो भाइयों के बीच ही खूनी संघर्ष क्यों हुआ? इस तरह की घटनाओं से समाज में गलत संदेश जाता है। पुलिस को जल्द से जल्द आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कर्नाटक में होने वाले विश्वास मत से पहले कांग्रेस ने एक बार फिर बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के मुद्दे पर कांग्रेस ने लोकतंत्र की परंपरा की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार और कर्नाटक के राज्यपाल पर निशाना साधा। के जो सबसे वरिष्ठतम विधायक होंगे वही प्रोटेम स्पीकर बनाए जाते हैं, न इसमें कभी कोई शक रहा न इसके अंदर कोई शुबा रहा। खास तौर से मौजूदा हालात में जहां भारतीय जनता पार्टी प्रजातंत्र को अगवा कर और महामहिम राज्यपाल जो प्रजातंत्र का एनकाउंटर कर जबरन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का षड्यंत्र कर रहे हैं, वहां इस प्रथा की अनुपालना और ज्यादा अनिवार्य है।